हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 वीडियो नंबर 03। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 01-02 नहीं देखे अभी तक सर्कल चैप्टर का, पहले उसको देखें फिर इस वीडियो पे आए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24। तो सर्कल मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट से। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24। लेट अस सपोज इस पॉइंट का नाम क्यू है और टेंजेंट की लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ द टेंजेंट, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर। ओके, द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। क्यू पॉइंट का सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो है 25 सेंटीमीटर। ओके, देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज, इट मींस इस सर्कल का हमें रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, हमें मालूम है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पे जॉइन करो तो ये क्या होता है, रेडियस, और ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। हमें इन पॉइंट्स के नाम नहीं दिए, मैं सेंटर का नाम मान लेता हूं 0, इस पॉइंट का नाम मान लेता हूं P। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन के प्रूफ में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, हमने थ्योरम 10.1 पढ़ी थी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। सबसे पहले हम लिखेंगे OP इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, इसका रीजन हमें लिखना है थ्योरम नंबर 10.1, थ्योरम नंबर 10.1। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने 10.1 थ्योरम की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है जो हमने लेक्चर नंबर 01 में पढ़ी थी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स ओपी पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है तो पी ओ क्यू कौन सी बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पीजीटी यूज कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज और बेस हमें मालूम है, तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर पी ओ क्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, पी ओ क्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, अगर पी ओ क्यू राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पीजीटी यूज कर सकते हैं, देन यूज पाइथागोरस थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, व्हिच स्टेट्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 25, सो 25 का स्क्वायर इक्वल टू बेस 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फिगर में स्टूडेंट्स हमारे पास OP का स्क्वायर। 25 स्क्वायर इज 625 इज इक्वल टू 24 स्क्वायर इज 576 प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, RHS में प्लस का 576 पीछे लेके आओ, LHS में ये बन जाएगा माइनस 576 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। जब हम इनको माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 49 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। स्क्वायर को पीछे लाओ, बन जाएगा रूट 49 इज इक्वल टू OP, 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 7 इज इक्वल टू OP। इट मींस जो OP आ गया हमारे पास, कितना आ गया OP, 7 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान से देखें, OP ही तो रेडियस है हमारे फिगर में, therefore रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। तो हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर आ गया है और यहाँ पे चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ इसमें खास बात नहीं थी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 10.2 सर्कल चैप्टर क्लास 10th। इन अ गिवन फिगर, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फिगर ऑलरेडी गिवन है, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। TP और TQ ये दो टेंजेंट हैं उस सर्कल के जिसका सेंटर का नाम क्या है, O। ओके, सो दैट एंगल POQ इज 110 डिग्री। POQ कितना डिग्री है, 110 डिग्री गिवन है। देन PTQ इज इक्वल टू एंगल PTQ, हमें ये एंगल निकालना है स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड एंगल PTQ, इस एंगल को हमें निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कहा था TP और TQ टेंजेंट्स हैं। अगर TP टेंजेंट है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये होगा परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.1। ठीक है स्टूडेंट्स, TQ भी क्या है, टेंजेंट है और ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का प्रूफ। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे OP इज परपेंडिकुलर ऑन PT, OP इज परपेंडिकुलर ऑन PT एंड OQ इज परपेंडिकुलर ऑन QT, OQ इज परपेंडिकुलर ऑन QT।
दोनों का रीजन होगा थ्योरम नंबर 10.1। थ्योरम नंबर 10.1, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो पी ओ क्यू टी है ये तो क्वाड्रिलेटरल है, वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, फोर साइड। वी नो दैट फोर साइडेड क्लोज फिगर इज अवर क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो हमें ये मालूम है 90 डिग्री, ये मालूम है 110 डिग्री, ये मालूम है 90 डिग्री। तो पी टी क्यू ये वाला एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है ये आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे हियर पी ओ क्यू टी इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल। जिन बच्चों ने ये पढ़े हुए हैं वो 1.2x की स्पीड या 2x की स्पीड से इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर पी ओ क्यू टी इज अ क्वाड्रिलेटरल है, सभी इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री, देयरफॉर 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका आपने रीजन में लिखना है स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा फिगर को नीचे कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री, 90, 90, 180, 280, 290, सम ऑफ ऑल दिस एंगल इज 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। 290 को वहां लेके जाओ आरएचएस में तो माइनस हो जाएगा, पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, करें सब्ट्रैक्ट दोनों को, हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। इट मीन्स जो एंगल पी टी क्यू है हमारे पास कितना आ गया, 70 डिग्री। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन जेके बोस के एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकते हैं, फाइंड एंगल पी टी क्यू, और आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सर्कल हमने ड्रा कर लिया। अब आई रिपीट, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी, ये पॉइंट मैंने ले लिया पी, ये टेंजेंट आ गया पी ए एंड पी बी। क्वेश्चन में कहा हुआ है पी ए एंड पी बी आर द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी, पी पॉइंट से ये दो टेंजेंट ड्रा किए हुए हैं, हमने कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, उस सर्कल पे ड्रा करना है जिसके जिसके सेंटर का नाम क्या है ओ, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। इन टेंजेंट के जो बीच का एंगल हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80 डिग्री। अंडरस्टैंड, आई रिपीट, टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। टेंजेंट के जो बीच का एंगल हमें दिया हुआ है 80 डिग्री। देन एंगल पी ओ क्यू, सॉरी, देन एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं, पी ओ ए, सॉरी, पी ओ ए, ये एंगल, इस एंगल को हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, फाइंड एंगल पी ओ ए। ओके स्टूडेंट्स, सेंटर था, इसको भी ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें कौन सा एंगल निकालना है, पी ओ ए, कीप इन माइंड ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल ही निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है सिर्फ। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें मालूम है पी ए टेंजेंट है तो ए पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर। पी बी भी टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर। ओके, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर पी बी ओ ए ये पूरी क्या है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल, वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, फोर साइड, ठीक है, सिर्फ फोर साइड क्लोज फिगर इज अवर क्वाड्रिलेटरल। हमें ये एंगल दिया हुआ है 80, ये दिया हुआ 90, ये दिया हुआ 90, तो ये पूरा एंगल निकल जाएगा, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ये पूरा निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हमने पूरा नहीं निकालना है, पूरे का कुछ पार्ट निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल को कांगुरेंट प्रूव कर देंगे। कांगुरेंट प्रूव करने से क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, नीचे वाला ये वाला, ठीक है, इसको व्हाइट कलर से कर देता हूं, ये वाला एंगल
तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स इक्वल, अगर ऊपर वाली ट्राइंगल और नीचे वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा इक्वल, पूरा एंगल हमने ऑलरेडी निकाला होगा, तो पूरे एंगल का जो आधा होगा अगर ये इक्वल है तो उसका जो आधा होगा वो ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्रूफ में यहां पे लिखते हैं प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्रूफ में लिखेंगे ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए पी, ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए पी एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी पी, ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी पी, रीजन इज थ्योरम नंबर 10.1। ठीक है, पॉइंट ऑफ कनेक्ट टू रेडियस परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ कनेक्ट टू रेडियस परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, हियर देयरफॉर PBOA is a quadrilateral, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, अगर PBOA quadrilateral है, four angle given है, कौन से given है? 80 degree plus 90 degree plus इस angle का नाम क्या होगा? Angle AOB plus angle AOB plus इस angle कितना है? 90 degree is equal to 360 degree। इस figure को नीचे लेके आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक इसका रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अप टू है। ओके स्टूडेंट्स, PBOA एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। नाउ 90 90 180 एंड 80 इज 260, तो 260 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री, सो एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, LHS में प्लस का 260, RHS में हो गया माइनस, सो एंगल AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, ये जो पूरा एंगल है AOB, ये पूरा कंप्लीट जो एंगल है ये हमारे पास कितना आ गया? वो 100 डिग्री। हमने ये कंप्लीट एंगल नहीं निकालना है, इसका कुछ पार्ट निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं क्या AOB इस पूरे एंगल को, इस पूरे एंगल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? एंगल POA प्लस एंगल POB, ठीक है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, AOB की जगह लिख दूंगा मैं एंगल POA प्लस एंगल POB इक्वल टू 100 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गई ये बात? इस इक्वेशन को मान लो फर्स्ट इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, AOB, AOB ये पूरा एंगल था, इस पूरे एंगल को मैंने ब्रेक कर दिया POA हाफ ये वाला और POB ये वाला, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होगा? ये पूरा एंगल होगा AOB। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? हम जो ऊपर वाली ट्राइंगल है और नीचे वाली ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट करने से क्या होगा? ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। पूरा कितना है? 100, अगर ये इक्वल है तो ये भी 50, ये भी 50, तो ये हमारे पास आ जाएगा। पूरा एंगल कितना निकाला हमने? AOB, AOB पूरा कंप्लीट कितना है? 100, अगर ये दो इक्वल हो जाएं ऊपर वाला और नीचे वाला, तो ऊपर वाला कितना होगा? 50, नीचे वाला भी कितना होगा? 50। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाली ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कौन सी ट्राइंगल ले ली? मैंने ट्राइंगल ले ली ओ ए पी एंड ओ ए बी। अब बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो यहां लिख देता हूं मैं पहले एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, सॉरी ओ ए पी, ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ओ बी पी। रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स इनका? ईच 90 डिग्री और ये राइट एंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और जो ओपी और ओपी है ये दोनों ट्राइंगल की साइड है। अगर ये ओपी ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए 5 सेंटीमीटर है, तो ओपी नीचे वाले ट्राइंगल के लिए भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे ओपी इज इक्वल टू ओपी, रीजन होगा कॉमन, ये जो साइड है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, और ओपी हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। तो आर भी हो गया, एच भी हो गया, और ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये हमने पढ़ा हुआ है थ्योरम में। ओ ए ऊपर वाले सर्कल का रेडियस है और ओ बी भी नीचे वाले सर्कल, इसी सर्कल का रेडियस है, तो रेडियस की लेंथ क्या होती है? एक ही सर्कल की रेडियस की लेंथ होती है इक्वल। मैं लिखूंगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो ये क्या हो गया? एक साइड। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल हो गई है तीन चीजें। मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए पी कांगुरेंट टू ट्राइंगल ओ बी पी बाय आर एच एस रूल। अगर ये दो ट्राइंगल्स, ऊपर वाली ट्राइंगल और नीचे वाली ट्राइंगल, अगर कांगुरेंट हो गई है तो इसके करस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल पी ओ ए, ऊपर वाली ट्राइंगल का एंगल, एंगल पी ओ ए इसके इक्वल हो जाएगा। ये जो एंगल है पी ओ ए, ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल, इक्वल हो जाएगा पी ओ बी नीचे वाले ट्राइंगल के एंगल की, एंगल पी ओ बी। रीजन इज बाय सी पी सी टी। अप टू हियर ओके स्टूडेंट्स। अब हमें मालूम है इन दो एंगल का सम कितना है, 100 डिग्री पी ओ ए और पी ओ बी का फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां लिखता हूं मैं, यहां पे इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या है इक्वेशन फर्स्ट में स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट इज एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब क्या करूंगा मैं, एंगल पी ओ ए को रहने दो ऐसे ही, पी ओ बी, पी ओ बी की जगह लिख दो पी ओ ए। ओके स्टूडेंट्स, पी ओ बी और पी ओ ए आपस में इक्वल है, तो इज इक्वल टू एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 100 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब पी ओ ए प्लस पी ओ ए बिकम ट्वाइस टाइम पी ओ ए, ट्वाइस टाइम पी ओ ए इज इक्वल टू 100 डिग्री। टू मल्टीप्लाई विद पी ओ ए, आगे लेके जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 100/2, देयरफॉर एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। तुम्हारे पास जो एंगल हमने फाइंड आउट करना था वो आ गया 50 डिग्री। पी ओ ए ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ गया, 50 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास शायद ऑप्शन भी दिए होंगे, हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 50 डिग्री दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले हमने सर्कल ड्रा कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन बोला हुआ है सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से, तो ये मैंने डायमीटर ड्रा कर लिया, आपको डायमीटर के एंड पॉइंट दिख रहे होंगे। डायमीटर के एंड पॉइंट से ड्रा करने हमने टेंजेंट, क्या ड्रा कर रहे हैं, टेंजेंट्स। तो मैंने टेंजेंट ड्रा कर लिया, सपोज करें इस टेंजेंट का नाम है ए, इसका नाम है बी, इस टेंजेंट का नाम है सी, इस टेंजेंट का नाम है डी, इस पॉइंट का नाम मान लो पी, इस पॉइंट का नाम मान लो क्यू। तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में कहा हुआ है प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। तो पी के वो आपको डायमीटर दिख रहा होगा, इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स एक तो है हमारे पास पी, एक तो हमारे पास है क्यू, एक हमारे पास है पी, एक हमारे पास है क्यू, एक हमारे पास है पी, एक हमारे पास है क्यू, एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। थ्योरम कहते, क्वेश्चन कहता है डायमीटर के एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करो। तो ये जो ए बी टेंजेंट है और जो सी डी टेंजेंट है, ये डायमीटर के एंड पॉइंट से हमने ड्रा किए होंगे, और हमें इनको क्या प्रूव करना है, आर पैरेलल, इन्हीं टेंजेंट्स को हमने पैरेलल प्रूव करना है। इट मींस हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। सबसे पहले मैंने सर्कल ड्रा किया, डायमीटर ड्रा किया, डायमीटर के एंड पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रा कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, अब डायमीटर के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा किए उनको क्या प्रूव करना है, आर पैरेलल, इट मींस हमें ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, जिस भी क्वेश्चन में इस तरह से लिखा होगा प्रूव दैट समथिंग, तो आपको उसमें गिवन भी लिखना होता है, टू प्रूव भी लिखना होता है, और प्रूफ भी लिखना होता है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिख दिया, गिवन हमने क्या लिखा, ए बी एंड सी डी आर द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। जो ए बी और सी डी जो दो टेंजेंट्स हैं, कहां से ड्रा किए हुए हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट से ड्रा किए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर प्रूव, क्या प्रूव करना है, मैंने ए बी पैरेलल टू सी डी, इन्हीं टेंजेंट को मैंने पैरेलल प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, सर्कल के सेंटर का नाम ओ मान लेते हैं। प्रूफ में स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखेंगे, अगर ए बी टेंजेंट है तो पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से रेडियस, यहां तक तो रेडियस ही होगा ना, यहां सेंटर पॉइंट तक, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर होगा। क्यू बी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कनेक्ट से रेडियस, ओ पॉइंट तक तो रेडियस है, पॉइंट ऑफ कनेक्ट से रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस एंगल का नाम एंगल 1 मान लेते हैं, इसका नाम एंगल 2 सपोज कर लेते हैं, इसका नाम एंगल 3, इसका नाम एंगल
4. सबसे पहले लाइन प्रूफ में मैं लिखूंगा OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड OQ इज परपेंडिकुलर ऑन CD. रीजन होगा इसका थ्योरम नंबर 10.1. ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू रेडियस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये भी क्या है रेडियस, तो OQ किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, CD के ऊपर. तो मैंने परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर के सिंबल मैंने डाल दिए हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री. आपको फिगर में दिख रहा होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे, ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री के होंगे. इट मींस एंगल 1 2 3 4 सभी कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के. ओके स्टूडेंट्स, सभी एंगल्स इक्वल हैं तो क्या मैं इनको ऐसे ले सकता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. ध्यान से फिगर में देखें, सभी इक्वल हैं तो 1 भी तो 4 के इक्वल होगा, तो 1 और 4 ध्यान से देखो कौन से एंगल्स हैं, Z के बीच के एंगल है ये. ठीक है स्टूडेंट्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कौन सा एंगल है ये, 1 इक्वल टू 4. अगर मैं यहां पे इस तरह से बनाऊं, ये एंगल 1 है और ये एंगल कौन सा है, 4, और ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल, और ये कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. जेड के बीच के एंगल्स होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और 9th क्लास में आपने सीखा था जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो उनके बीच की जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो AB पैरेलल टू CD. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से एंगल 2 एंगल 3 के भी इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. अब ध्यान से देखें 2 और 3 में भी जेड फॉर्म हो रहा है, अगर मैं यहां से ऐसे ऐसे और ऐसे ड्रा करूं, मैं कलर चेंज कर देता हूं, वेट अ मिनट, यहां देखो ये वाला जेड इस तरह से. ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 मैं यहां पे भी बना देता हूं, इस तरह का जेड है यहां पे और ये वाला एंगल 2 और 3 इक्वल है, जेड के बीच के एंगल है, तो ये लाइन जो ये वाली है ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी ना. ठीक है स्टूडेंट्स, 1 और 4 और 2 और 3 कौन से एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. मैं यहां पे नीचे इसको रेज कर देता हूं, मैं नीचे यहां पे लिख देता हूं, बट जब लिखो तो वी नो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 1 और 4, 2 और 3 कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड वी नो, हम जानते हैं, एंड वी नो इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, देन लाइंस आर पैरेलल. ओके स्टूडेंट्स, इट मींस AB किसके पैरेलल होगा, CD के. AB पैरेलल हो गया CD के. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का बोर्ड में आपको आ सकता है. क्वेश्चन था प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के एंड पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनको पैरेलल प्रूव करना है. तो कोई बात नहीं, OP परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर, ये दोनों 90 डिग्री के, OQ परपेंडिकुलर होगा CD के ऊपर, थ्योरम नंबर 10.1, ये भी 90 डिग्री के. इट मींस ये सारे 90 डिग्री के हैं, सभी एंगल्स इक्वल हैं, 1 होगा 4 के इक्वल, 2 होगा 3 के इक्वल, 1 और 4 अल्टरनेटिव एंगल, 2 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड वी नो दैट इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, तो AB पैरेलल हो जाएगा CD के. क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लें इसको. ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ सारी खामियों पे, कल ये मारेंगे ताली मेरी कहानियों पे, क्योंकि जिद्दी बड़ा हूँ मैं. बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्टेटमेंट आपको दिख रही होगी स्टूडेंट्स, यहां पे प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. फिगर बना लेते हैं सबसे पहले, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट ड्रा कर लिया मैंने, सपोज टेंजेंट का नाम है ए बी, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब इस पॉइंट की बात की है,
prove that perpendicular at the point of contact. Point of contact से हमने क्या draw कर लिया? Perpendicular draw कर लिया. ये given है question में. Prove that perpendicular at the point of contact. Point of contact से हमने क्या draw कर लिया बच्चों? Perpendicular draw कर लिया. यहाँ तक तो हो गया. To a tangent, to a circle, pass through the center. Pass through the center. Question कहता है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से पास होता है. ये प्रूव करके हमें दिखाना है. अंडरस्टैंड? प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इट मींस ये 90 डिग्री होगा. हमने टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया और हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो परपेंडिकुलर हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ड्रा किया है ये कहां से पास होता है. सर्कल के सेंटर से पास होता है. ये सेंटर से पास होता है. हमें ये प्रूव करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन प्रूव वगैरह, क्योंकि जिस भी क्वेश्चन में इस तरह से प्रूव डैट करके लिखा होता है तो हमें गिवन प्रूव प्रूफ लिखना पड़ता है. गिवन हम लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर ओ. अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी इज द tangent at point P. Okay students. और भी हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है एंगल ओ, इसका नाम P मान लें, P पॉइंट. एंगल ओ पी बी हमें किसके इक्वल दिया हुआ है 90 डिग्री के, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रा करो वो सेंटर से पास होता है वो प्रूव करना है. तो ये परपेंडिकुलर ही तो होगा. ओके स्टूडेंट्स, प्रूव हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द पीओसी मींस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ओके, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पास फ्रॉम सेंटर. हमें क्या प्रूव करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो सर्कल के सेंटर से पास होता है. ये हमें प्रूफ करना है. अब करते हैं इसका प्रूफ. ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना इसका प्रूफ. सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं, लेट ओ इज नॉट अ सेंटर ऑफ अ सर्कल. लेट ओ इज नॉट अ सेंटर. गिवन में ओ सेंटर है हमारे पास, लेकिन हमने सपोज कर लिया ओ सर्कल का सेंटर नहीं है. लेट ओ इज नॉट अ सेंटर of a circle, let it to be and let it to be O dash and let it to be O dash. Suppose करें कि जो O dash है ये O dash ये center है circle का. ठीक है students, हमने सपोज किया ओ सर्कल का सेंटर नहीं है, सर्कल का सेंटर कौन है, ओ डैश है. ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, यहां देखिए एंगल ओ पी बी, ये तो हमें 90 डिग्री गिवन है. ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से परपेंडिकुलर था ना ये, तो ओ पी बी हमें 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है. अभी हमने सपोज किया ओ डैश सर्कल का सेंटर है, ओ सेंटर सर्कल का नहीं है, ओ डैश जो है वो सर्कल का सेंटर है. अगर ओ डैश सर्कल का सेंटर है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जब हम सेंटर को ड्रा करते हैं ये तो रेडियस होता है. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जब भी हम सेंटर जॉइन करते हैं और ये क्या होता है, रेडियस. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर एंगल ओ डैश पी बी ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का. इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन. ये हमारे पास गिवन है और ये हमारे पास है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन. ओके, जो हमने लेट किया ये वहां से. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ओ पी बी ऑलरेडी 90 हमें गिवन है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से परपेंडिकुलर हमें सेंटर से पास करना है, ये हमने प्रूव करना है. हमने लेट किया ओ सर्कल का सेंटर नहीं है, सर्कल का सेंटर ओ डैश है. अगर ये सेंटर है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सेंटर पर को ज्वाइन करो ये तो रेडियस होता है, और रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर. इसका रीजन लिखना है आपने थ्योरम नंबर 10.1. ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से रेडियस परपेंडिकुलर होता है. अब ये क्या हो गया, ओ पी बी ये भी 90. अगर मैं लिखूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन यहां पे आ जाओ पहले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आरएचएस सेम, तो एलएचएस सेम हो जाएगी. एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डैश पी बी. हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ओ
पी बी, ये पूरा बड़े वाला एंगल दिख रहा है आपको स्टूडेंट, सी वाला एंगल किसके इक्वल प्रूव कर दिया हमने, ओ डैश पी बी इस छोटे वाले एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया फ्रॉम फिगर, क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना पॉसिबल, नहीं ना पॉसिबल, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो बात। अब ये पॉसिबल कब होगा, मैं लिखूंगा बट दिस इज नॉट पॉसिबल, बट दिस इज, ठीक है, हमने ओ पी बी पूरा एंगल और ओ डैश पी बी छोटे वाला एंगल हमने क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया, लेकिन हमें दिख रहा है ये बड़ा एंगल है और ये क्या है छोटा एंगल है, ये इक्वल नहीं हो सकते, तो यहां पे लिख देता हूं बट दीज आर नॉट, बट दिस इज, सॉरी, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। और ये पॉसिबल कब होगा, ये पॉसिबल हो सकता है जब ओ डैश पी कौन साइड कहां पे कर रहा होगा, ओपी के ऊपर कर रहा होगा, अगर ओ डैश पी, ओ डैश से पी लेके ओपी के ऊपर ही होगा, मतलब ओ और ओ डैश ये दोनों सेम पॉइंट होंगे, तो तब ये एंगल इक्वल हो सकते हैं, कहने का मतलब ये पॉइंट सपोज करो पी है, ये पॉइंट सपोज करो बी है, यही पॉइंट ओ बी है और यही पॉइंट ओ डैश बी है, अब ओ पी बी जितना होगा उतना ही एंगल ओ डैश पी बी होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या होंगी, कौन साइड होगी, ए के ऊपर दूसरी आ गई, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड पॉसिबल, एंड पॉसिबल का पॉसिबल होगा, एंड पॉसिबल व्हेन, व्हेन ओ डैश पी कोइंसाइड, कोइंसाइड ऑन ओ पी, ओके स्टूडेंट्स, जब ओ डैश जो पी है वो किसके ऊपर कंसाइड करेगा, ओ पी के ऊपर, मतलब इस पॉइंट का नाम ओ भी है, इस पॉइंट का नाम ओ डैश भी है, ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, इट मींस हमने ओ डैश को, ओ को सेंटर नहीं सपोज किया था, हमने ओ डैश को सेंटर सपोज किया था, लेकिन ओ डैश यहां पे नहीं है, ओ डैश यहीं पे है, इट मींस परपेंडिकुलर जो था वो सर्कल के सेंटर से पास हो रहा था, ये सर्कल का सेंटर हमने सपोज किया था ना स्टूडेंट्स, अभी सेंटर यहां पे नहीं, सेंटर यहां पे आ गया, तो जब यहां पे आ गया है तो हमने इस पॉइंट से यहां पे क्या ड्रा किया था, स्टार्टिंग में परपेंडिकुलर ड्रा किया था, इट मींस परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने ड्रा किया वो सर्कल के सेंटर से ही पास हो रहा है, और सेंटर पॉइंट जो ओ डैश हमने यहां सपोज किया था वो यहां पे नहीं है, वो यहां पे आ गया, तो इट मींस, इट मींस यहां लिख दो आप, इट मींस, इट मींस परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पास फ्रॉम, पास फ्रॉम, पास फ्रॉम सेंटर, पास फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से वीडियो को शेयर करें 10th क्लास के बच्चों तक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।